तब तक डोंग मिंगकुई की मौत नहीं हो जाती, तब तक मेरे छोटे भाई की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम सब नामाकूल हो, तुम्हें साथ रखने का कोई फायदा नहीं है, दफा हो जाओ। डोंग मिंगकुई। मुझे दो ना, दो ना मुझे। नहीं दूंगा, नहीं बिल्कुल। महाशय, आप क्या लेंगे? एक कप चाय मिलेगी? हाँ मिलेगी ना, एक कप चाय। चलो ये लीजिए आपकी चाय। हैं? लाओ, मुझे दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, दो ना। डोंग मिंगकुई, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं और इस बार कहीं नहीं जाने वाले हो। पकड़ो इसे। साथियों, मिस्टर डे ने हमें एक आदेश दिया है, तुम्हें वापस ले जाना है जिंदा या मुर्दा। काफी समय लगा तुम्हें ढूंढने के लिए, आज मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा और उस पर नमक डालूंगा। पकड़ो इसे। कौन है तुम? श्रीमान जी, बड़े साहस की बात है किसी की दिन दहाड़े रोड पर हत्या करना। तुम काफी थक गए होंगे, इस तरह की धमकियां मत दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसी आसान मौत दूंगा? मुझे लगता है कि ये सबक तुम लोग याद रखोगे, दफा हो जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। चलो निकलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बच्चों को बचाने के लिए। ये लीजिए चाय नाश्ता, एक छोटा सा आभार समझिए। मैं अभी चलता हूँ। शुक्रिया। मैं डोंग मिंगकुई हूँ, जिन्होंने मुझे बचाया उनका नाम जान सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मेरा नाम चैन जिनफी है। आज मुझे चाय के बदले शराब परोसने का आदेश देंगे तो अच्छा होगा। हाँ। एक मार्शल आर्टिस्ट का फर्ज होता है दुष्ट लोगों से कमजोरों की सहायता करना, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम परेशानी खड़ी करने वाले लगते तो नहीं, फिर भी वो तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? वो क्योंकि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। क्या? किसने किया ये? डोंग मिंगकुई, तुम फिर से? हाँ तो क्या हुआ? साथियों, हमला करो। या!
मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे मुंह बोले भाई जिंग की मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं जेल जाने से तो बच जाऊंगा। जिंग मेरे गांव का व्यापारी राजकुमार है। मैं झाओ काउंटी की उसी की दुकान में जा रहा हूं इस तूफान से बचने के लिए। जब वो सब कुछ संभाल लेगा तभी मैं घर जा पाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे बूढ़े पिताजी वो डर गए होंगे। डोंग तुम बड़े भावुक आदमी हो, तुमने सिर्फ किसी की मदद की। ये लो एक जाम तुम्हारे नाम। डोंग मुझ पर एक जिम्मेदारी है और मुझे बहुत दूर जाना है। ये सब तो बस रास्ते की बाधा थी। अपना ख्याल रखना। आप भी। मैंने बचपन में मार्शल कला सीखी है लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि आप शेर पर सवा शेर हो। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। खड़े हो जाओ, तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं। तुम कद काठी से काफी हट्टे कट्टे हो और स्वभाव के भी अच्छे हो। तुम्हें कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा। एक काम करते हैं, अभी कुछ दिनों में मेरे पुराने गुरु जी का जन्मदिन है, तुम मेरे साथ पहाड़ों पर चल सकते हो। अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम दोनों, तुम और मैं, एक ही गुरु के शिष्य बनेंगे। सच में? लेकिन मुझे पहाड़ी पर जाने से पहले एक जरूरी काम करना है। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। सुनिए, जल्दी अंदर चलते हैं, चलिए आइए। संभल के रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है, समझे तू? हम लोग यहां रात गुजारेंगे। आज तुम थक गए होगे, आराम कर लो। मुझे लगा आपको आज कोई जरूरी काम है। वो आज रात को करना है। हाँ ठीक है। तुम क्यों आए? सुनिए, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मैं तो आपको बचाने के लिए आया हूँ। बेवकूफ, तुम नकली मार्शल आर्ट से मेरी मदद नहीं कर सकते। उनके पास एक से एक विदेशी शूटर हैं। अगर वहां कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बचाऊंगा या उनसे लड़ूंगा। मैं यहाँ लोगों का भला करने आया हूँ। सुनिए, हमें साथ मिलकर इस काम को अंजाम देना होगा। तो कब से शुरू करें? ठीक है, एक काम करो, वहां देखो वो दो पहरेदार दिख रहे हैं तुम्हें? अगर तुम्हें कोई गड़बड़ लगे तो मुझे खबर करना। लेकिन आप संभल कर रहना।
क्या हो रहा है अंदर? चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो भागो यहां से। क्या आप ठीक है? मेरे झोले में एक जड़ी बूटी है, लाता हूँ। बस थोड़ा और। अब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। हालांकि चैन, आज रात हमें जो काम निपटाना था वो हमने कर लिया। कर लिया। बढ़िया, मुझे माफ करना, मैं आपके लिए कोई वैद्य ढूंढ कर लाता हूं। नहीं, आज रात हमने सरकार को सतर्क कर दिया है, सुबह होने से पहले बाहर मत निकलना वरना तुम मारे जाओगे। बिस्तर लगाते हैं, मुझे आराम करना है। धीरे धीरे। आराम से। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग? कोई मिला क्या? उस तरफ जाकर ढूंढो। हाँ, यहाँ पर। जल्दी कीजिए। हाँ, देखता हूँ। तुमने मुझे यहाँ बुलाने में काफी देर कर दी। चैन, चैन, उठ जाओ, उठ जाओ, चैन, चैन, उठ जाओ, उठ जाओ, चैन, चैन। मेरे मुंह बोले भाई मिंग कोई, जीवन और मौत पहले से लिखी होती है, तो मौत से क्या डरना? मुझे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि मैं अपने गुरुजी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। उनका जन्मदिन मनाने के लिए मेरे थैले में एक तोहफा रखा है, कृपया उन्हें मेरी तरफ से ये तोहफा दे देना। अगर तुम मंजिल तक पहुंच गए और गुरुजी के शिष्य बन गए तो तुम अपने कर्तव्यों का पालन करना मेरी तरह। शुक्रिया।
दादाजी। ऐ दादाजी आकर चाय पीजिए। पहाड़ी हवाएं बहुत तेज होती हैं। तुम बाहर क्या कर रही हो? दादाजी चिंता मत कीजिए, मैं वो जड़ी बूटी ले रही हूँ जो आपने बताई है। ये लीजिए दादाजी। दादाजी चेन जल्दी वापस आएगा ना? क्या तुम चेन को याद कर रही हो या उन चीजों को जो वो वापस लेकर आने वाला था? दादाजी सच कहा, चेन को ये पहाड़ छोड़े हुए काफी समय हो गया है, अब उसे आ जाना चाहिए। जेनफी, उसने पाठशाला का सम्मान बचाया और एक शहीद की मौत मारा। शुक्रिया नौजवान, जेनफी का सामान यहाँ लेकर आने के लिए। उन्होंने जैसा मुझे कहा था उस बात से इनकार नहीं कर सकता। जब वो ही नहीं आ रहा तो इन चीजों का क्या फायदा? तुम रो मत, रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ठीक है? तुम यात्रा से थक गए होगे, आज की रात रुक जाओ हमारे यहाँ पर, हम कल बात करेंगे। जी बिल्कुल। जी सुनिए टॉम, आप उठ गए क्या? दादाजी ने आपको बुलाया है। हाँ आ रहा हूँ। मिस्टर डोंग। मिस यूनफांग, बस इतना ही कहूंगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, वो आपको ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। क्षमा कीजिए डोंग, पर दादाजी आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। जी बिल्कुल। दादाजी ये खंजर किस लिए? कल रात मैं बजाओ गया था। तुम बिल्कुल सच बोल रहे थे, पहले मुझे तुम पर शक हो रहा था, कृपया मुझे माफ कर दो नौजवान। आप रात में वहां जाकर वापस भी लौट आए? तुम जैसे वफादार दोस्त के कारण जेनफई को अपनी जिंदगी से कोई पछतावा नहीं हुआ। मेरे गुरु, जिनोफिया से मिलने के बाद उसकी मार्शल शैली और स्वभाव का गुणगान करने लगा, इसीलिए आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ताकि मैं भी बिल्कुल जिनोफिया की तरह एक नायक बन सकूं। श्रीमान जियांग, आपको पता है डियोंग कैसा लड़का है? उसकी पृष्ठभूमि बहुत ही जबरदस्त है। हाँ उसने 3 हत्याएं तो की हैं, लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ी तो आपको पता है क्या होगा, मैं अपना पद खो दूंगा। आपके लिए सब मुश्किल हुआ होगा ना? वैसे इस बात को काफी समय हो चुका है और आप काफी जिम्मेदार रहे हैं, और किसी भी परेशानी का ऐसा नहीं है कि निवारण नहीं हो सकता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। दादाजी देखिए, सिर्फ कुछ महीने बीतने दो, वो खुद ही आकाश पाताल एक कर देगा, इसकी ताकत भविष्य में असीम होगी।
मिंकुई अब चाय पियोगे? ठीक है लीजिए। शुक्रिया। ये लो इससे पूछ लो। तुम अपने तलवों के बलबूते जितना खड़ा हो सकते हो जाओ, फिर धीरे धीरे नीचे जाओ और यही चक्र दोहराओ। अपनी हथेली को चक्के की तरह घुमाओ। आग हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जबकि पानी भारी होने के कारण नीचे सूख जाता है। पताका की तरह लहराओ और मोमबत्ती की तरह रोशनी फैलाओ। तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असीम भंडार है जो तुम्हें बादलों की तरह बहा सकता है। योग से तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी। ऊर्जा को शरीर के हर भाग में बहने दो। यून, मैं वापस आ गया। अरे डोंग, तुम वापस आ गए? सुनो यून, हाँ? ये तुम्हारे लिए। तुम फिर पहाड़ के पीछे गए थे? कोई बात नहीं। अरे रुको, यहाँ आओ। ओ दो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस पहाड़ के पीछे मत जाना, वहां पर हिंसक जानवर हैं। अगर वहां तुम्हें कुछ हो जाता तो? गुरुजी ने कहा था गंडोरमा सेहत के लिए फायदेमंद है। मुझे पता है तुम मेरे लिए बेहतर चाहते हो, पर तुमने जो किया वो खतरनाक है। हो गया। गुरुजी, कुछ समय से मेरी एकाग्रता भंग हो गई है। मेरी हथेलियां ताकतवर हो जाती है, कभी कभी मेरे काबू में नहीं रहती। गुरुजी, हंसने वाली क्या बात है? मिंकुई, अभी तुम यहां बैठ जाओ। अधिकतर मार्शल आर्टिस्ट अपने भाग्य के बलबूते मार्शल आर्ट सीखते हैं, मगर तुम प्रतिभाशाली हो। तुमने ये साबित कर दिया है दुनिया को अचंभित करके। ये तुम्हारा नसीब है। एक मार्शल आर्टिस्ट का कर्तव्य होता है जो उसने सीखा उसका इस्तेमाल करे जब वो नैतिक दुनिया में जाए। मैं जितनी भी मार्शल आर्ट जानता था मैंने वो सब तुम्हें सिखा दी है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना याद रख पाते हो। मिंकुई, भाग्य हमेशा बहादुरों का ही साथ देता है। अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें कुछ चीजों के जवाब मिलेंगे। फिर तुम समझ जाओगे कि मेरे इन सभी कहे हुए शब्दों का मतलब क्या था। मिस यून, हाँ? मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। अच्छा? गुरुजी ने जाने की अनुमति दी है। क्या हुआ यून? यून, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ यून, बताओ मुझे, तुम रो क्यों रही हो?
मेंकुई, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सलाह है। तुम्हारे पहाड़ छोड़ने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ। पहली सलाह ये है, मैंने जो तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाई उसे कायम रखना अच्छे कामों के लिए है। अपनी ताकत से किसी को डराना मत, ना ही कोई गलत काम करना। चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैं आपका नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। और दूसरी सलाह, दुनिया दहशत से भरी पड़ी है और लोग लाचार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समाज के लिए तुम अच्छा करोगे। तुमसे जितना हो सके दुनिया में शांति लाने की कोशिश करना और शांत मन से चीजों का समाधान निकालना। दुनिया से बुराई को खत्म करना, देश और लोगों की सेवा और मदद करना। मैं आपकी हर सलाह याद रखूंगा गुरुजी। मेरा आपसे एक अनुरोध है, मुझे कहने की इजाजत दें। ये युनफंग के बारे में है ना, है ना? युन, हमारा घर आगे ही है। चलो। हाँ। कौन है? मिस्टर सिंह है क्या? एक बूढ़ा होने के नाते लगातार मेरी चिंता करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तुमने जो चावल भेजे थे वो अब तक खत्म नहीं हुए हैं। पिताजी, पिताजी, मैं वापस आ गया। मेरे आलसी बच्चे, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ चले गए थे? तुमने मुझे कितना गुस्सा दिलाया था। पिताजी रुक जाइए ना। पिताजी, ये युन फांग है, आपकी बहू। पिताजी, ये लो, ये ले लो। पिताजी, ये क्या है? ये मिंको की माँ के गहने हैं जो उसने अपने बहू के लिए छोड़े थे। पहन कर देखो। हाँ। ओह, ये तो तुम पर जच रहे हैं। किसी ने सही कहा है, वो समानता वाले लोग जुड़ जाते हैं। शुक्रिया पिताजी। पिताजी, मिंकुई लंबे समय से घुटनों पर बैठा है, अभी उसे आप माफ कर दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, वो बहुत आवारा लड़का है, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, हमेशा गुस्सा दिलाता है। पिताजी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। चुप बैठो तुम। मिंको आए। मिस्टर डोंग, दरवाजा खोलिए। देखो, मिस्टर जिंग आ गए। तुम जाओ दरवाजा खोलो, मैं यहाँ सफाई करता हूँ। ठीक है। मिंकोई, आप तो जिंग है ना, अंदर आइए। आप कौन? सुनो जिंग, हा? ये तुम्हारे भाई की पत्नी है, यानी मेरी। क्या बात है, बहुत खूब, कितने खुश नसीब हो।
और तुम्हें देखो, तुमने फिर से शरारत कर दी। क्या मिस्टर डोंग ने तुम्हें सजा दी है? मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था, लेकिन तुम ही यहाँ आ गए। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम इतने सालों से आखिर थे कहाँ पर? ध्यान से सुनिए, हम लोग यहाँ पर मिंकुई की घर वापसी के नाम पर जश्न मना रहे हैं। पियो, पियो, लीजिए। मुझे कुछ कहना है। हम लोग वहां पर थे नहीं जब मिंकुई ने शादी की। मैं चाहता हूँ इनकी दोबारा शादी हो जाए, बिल्कुल, और उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा ताकि मैं अपने भाई के साथ मजे कर सकूं। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सुनो जी, यून और मेरी शादी पहाड़ों में हुई थी, इसलिए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इससे बहुत परेशानी होगी। नहीं तो शादी में कौन सी परेशानी होती है? इसके अलावा मिस्टर डोंग, उनके बारे में सोचो, वो भी तो नहीं थे। नहीं 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 नहीं, अरे जिंग सुनिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। ए, बस करो, तुम इतनी ईमानदार भी मत बनो। मिंकुई और मैं बचपन से दोस्त हैं, मैं तो मानता हूँ, पर मिंकुई का नहीं पता। उसे मत मारो, मत मारो उसे। मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे जरा रुको। मेरे पिताजी ये पतंग शहर से लाए थे, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसने इसे तोड़ दी। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। हटो। डैनियल, डैनियल भागो मत, रुको रुको, उसकी मदद करते हैं। खुशी में साथ में और दुख में भी साथ में। हा, 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 हा। हमेशा भाई की तरह रहना। चीयर्स। हाँ चीयर्स। अरे आप कैसे हो? आइए आइए, बड़े खुशकिस्मत हैं। अरे लेकर आओ उसको, जल्दी करो। चलो चलो, अरे चलो भी। अरे चल यार, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, चलो। अरे लेकर आओ इसे। अरे शर्माओ मत यार। अरे आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अरे चलो भी, अरे चलो, अरे आगे चलो यार। इतने बढ़िया लग रहे हैं। चलो पिताजी, ये लीजिए जोड़ी, माशाल्लाह है। शुक्रिया, मुबारक हो, मुबारक हो, शादी मुबारक हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, क्या शानदार जोड़ी है दोनों की। देख के तो मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। अब तो बस नाचेंगे, गाएंगे। चलो भाई सभी लोग पियो, जश्न मनाओ। अरे पियो यार, पियो तुम। इस खुशी के मौके पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ जल्दी। ये प्याला संभाल, मैं अभी आया, मजे करना। क्या आप ये प्लीज फल अंदर ले जा सकती है? ये घटिया अनार देखकर लोग हम पर हंसेंगे। जाओ 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 यहाँ से, चले जाओ, चलो जाओ। लेकिन ये, जाओ यहाँ से। मिंकुई, तुम कौन हो? मैं डैनियल हूँ। तुम डैनियल हो? हाँ डैनियल हूँ। डैनियल, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। मुबारक हो मिंकुई, मैं तुम्हारे लिए अनार बहुत दूर से लेके आया हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये ले लो, अंदर जाओ तुम। डैनियल, डैनियल, आज मेरी शादी हो रही है, तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाने दो अभी। चलो अंदर, खूब पीते हैं, चलो आ जाओ।
पिताजी की खांसी बढ़ती जा रही है। हम उन्हें दवाई दे देते हैं। पिताजी, दवाई लेने का समय हो गया। पिताजी, दवाई लीजिए। पिताजी, धीरे पीजिए। मैंकोई, तुम्हारी माँ जानकर ये खुश हो जाती कि तुम्हारी आज शादी हो गई। कितनी अच्छी थी वो। पिताजी, कल मैं आपको किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। और पैसे बर्बाद मत करो। जी पिताजी, ठीक है, कुछ मत बोलिए, आप आराम कीजिए, आइए। चलो चले। इन्हें शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, कल ले जाइए इन्हें। हाँ चलो चलते हैं। मिंकुए, नाश्ता तैयार है। आया। पिताजी, नाश्ते के लिए आइए। पिताजी, 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 पिताजी। मिंकोई, यून, शोक स्वीकार करो। मिंकोई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने मेरे बगीचे में सारा इंतजाम कर लिया है, फिक्र मत करो। शुक्रिया। भाइयों के बीच कैसा शुक्रिया अदा कर रहे हो? हाँ हाँ, मुझे बचाओ, मदद करो मेरी। मुझे उठाओ। डैनियल, उठ जाओ, उठो। मुझे कुछ पैसे चाहिए, बस एक कश लगाना है, बस एक कश, भरोसा करो, बस भरोसा करो, बस एक कश। डैनियल, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। डैनियल, उठ जाओ, मेरे साथ चलो, आओ। डैनियो, इतनी अफीम क्यों पीते हो? मेरे पैर एक्सीडेंट में खराब हो गया, उस समय मेरे घर में काम चल रहा था, मुझे बहुत दर्द होता था हर रोज। मैंने सारी दवाएं इस्तेमाल की, फिर मैं अफीम की दुकान पे गया, उसने मुझे झूठ बोल के
यदि और कहा कि ठीक हो जाएगा और तब से मुझे इसकी आदत लग गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नशेड़ी हो जाऊंगा। डैनियो, जब तक तुम्हारी अफीम नहीं छूटती तुम यहां मेरे घर में ही रहोगे। डैनियो, आज हम मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समाज के लिए अच्छा करोगे, तुमसे जितना हो सकेगा दुनिया में शांति लाने की कोशिश करोगे और अशांत दुनिया के संघर्षों का समाधान निकालोगे, दुनिया से बुराई खत्म करोगे और लोगों की सेवा करोगे। आइए आइए अंदर आइए, कुछ नई चीजें टेस्ट करिए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जी महाशय, इस तरफ आइए ना, कुछ कष्ट लीजिए, इस तरफ आइए। मेंको, मुझे बचाओ, मदद करो मेरी। जन्नत मिल गई रे। दफा हो जाओ यहाँ से, बंद करो ये सब, बंद करो पीना। क्या कर रहे हैं? जरा अपनी हालत देखो, जाओ यहाँ से। तू जा, मेरे साथ आओ, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम भी जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। छोड़ दीजिए। सब निकल जाओ। अरे क्या मजा कर रहे हो, कल आ जाते हैं, चल बाहर बैठ के नशा करते हैं। डोंग मेंखोए, मैं तुम्हारे पास नहीं आया बल्कि तुम मेरे पास आए। मुझे लगता है हमें अपने पुराने हिसाब चुकते करने चाहिए। मैं तुम्हें मार दूंगा और मेरे छोटे भाई का बदला ले लूंगा। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हारी इन काली करतूतों को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी सच्चाई सामने लाऊंगा। दिन में सपने देख रहे हो, पकड़ो इसे। क्या बात है, बहुत अच्छा किया तुमने भाई साहब, चला दो सब कुछ। बहुत अच्छे, तुम सही हो। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ यार। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो, निकल जाओ।
तीन साल पहले मैं पूरी तरह ये बात भूल चुका था, तुम्हारा और डियोंग का झगड़ा है। अब जो तुम वापस आ गए हो, तुमने वो झगड़े को आग दी है। उस अफीम की दुकान से लोगों का नुकसान हो रहा था, बंद कर दिया। कितने बेवकूफ हो। ये जो डियोंग है ये पहले वाला डियोंग नहीं है। उसके परिवार का एक आदमी कोर्ट में बड़े ओहदे पर है। यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी उसके सामने सर झुकाते हैं। तुम क्या ही उखाड़ लोगे। ये धंधा विदेशी लोग चलाते हैं, न्याय व्यवस्था भी चुप है, तो इस मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है वो दुकान चलाने से तुम दुनिया में बदलाव लाओगे? तुमने गलती की है। तुम इतने गर्म खोपड़ी कैसे रह सकते हो जबकि तुम्हारी शादी भी हो गई है? अगर मैं तुम्हें वहां बचाने नहीं आता तो तुम अब तक जेल में चक्की पीस रहे होते। डोंग मिंगकुई, तुम्हें मेरी परवाह नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में तो सोचो। क्या तुम उसे ऐसी जिंदगी देना चाहते हो? हाँ, भले ही जिंग मुझे दोष देता है लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो अफीम का धंधा एक दिन जल्दी खत्म होगा। यून, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूं? अफीम अच्छा नहीं है, लेकिन उसे जलाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन मिंकुए, तुमने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया है। अगर जिंग मदद नहीं करता तो सोचो तुम्हारा क्या होता। आप मेरे पति हैं, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं, मगर वो बात याद कीजिए जो पिताजी ने मरने से पहले आपको कही थी। हम जिंग को मुसीबत में नहीं डाल सकते। भगवान, बेचारे के साथ देखो क्या हो गया, मर गया। ऐसा था नशा आदमी के। सही कह रहे हो यार, तुम कभी नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका तो यह शो होना ही था। होना तो शक्ल से तो बड़ा शरीफ लगता था। हाँ, शरीफ तो था ही। क्या हो गया है, क्या कर सकते हो अब? एक और चला गया, ये कितनी दुख की बात है। दुख की बात तो है, लेकिन अब नशा करेगा तो यही हाल होगा इसका। उसने नशा नहीं किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे शहर में एक दिन तबाही मच जाएगी। खैर चलो चलते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट का फर्ज होता है दुष्ट लोगों से कमजोरों की सहायता करना। मैं जाकर देखता हूं। यही है वो, यही है, इसीने आग लगाई थी। चलो, यही बदतमीज आदमी है जिसने आग लगाई थी वहां पे। इसीने हमारा नुकसान किया है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे। तू नहीं हमारा नुकसान करो।
जरा अपने गिरेबान में झांको, क्या तुम में से किसी में इंसानियत नाम की चीज नहीं है? क्या तुम में से किसी ने अपने परिवार, अपने घर के बारे में सोचा? क्या सोचा कभी तुमने कि वो कौन सी चीज है जिससे तुम्हारी यह हालत हुई है? अफीम नसीब बदलने वाला कोई मरहम नहीं है, ये जहर है जहर। मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तुम्हारा नुकसान अफीम की वजह से हो रहा है। असली गुनहगार तो वही है, आपकी हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो है। अरे इसकी बात क्यों सुन रहे हो, मारो इसे। हाँ हाँ मारो 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 इसे। ये लोगों को भड़काने के लिए मैंने तुम्हें इतना मारा है, दफा हो जाओ। चलो तुम सब लोग दफा हो जाओ। चलो चलो अभी चलो, तुझने तो कमर ही तोड़ दी, पूरा नशा उतार दिया, भागो जल्दी भागो, चलो चलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। देखा जिंग, क्या अब तुम खुश हो? तुमने उनकी मदद करने का वादा किया था ना, देखो बदले में क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ। अपने घर को देखो, क्या बना दिया है तुमने। मिंकोई, मैं तुम्हें हीरो बनने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन अपनी बीवी की तरफ देखो। क्या उसने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि वो इस तरह जी सके? वो विदेशी पागल है, अफीम हर जगह है, पर हमारी सरकार कमजोर है, तो क्या तुम अकेले ही सब बदलोगे? देश के उत्थान या पतन में नागरिक का योगदान होता है। बेवकूफी, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा ही सब कुछ है। मिंकोई, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम और मैं एक बेहतर जिंदगी जी सके, समझ गए? आशा करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ रहा है। इतना ही कहूंगा, अपना ख्याल रखना। मिंकोई, मैं सपना देखती हूं कि हम अपनी जिंदगी पहाड़ों में गुजार रहे हैं। हमें किसी चीज की परवाह नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूं कितना अच्छा होता अगर हमने कभी वो पहाड़ी छोड़ी नहीं होती। अभी तक नहीं माने, परेशान करने आया हूँ। मैं कुछ करने नहीं आया, मैं देनियू का भाई हूँ, मेरा नाम ही वो है। तुम यहाँ क्यों आया हो? मुझे एक नौकरी मिली 3 महीने पहले। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, अरे जल्दी करो, लेट क्यों हो रहे हो? चलो 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 जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी करो। अरे यार क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पास ताकत नहीं है क्या? उठाओ उसको, अरे करो जल्दी करो, उठाओ उसको जल्दी, अपना अपना काम करो, कदम नहीं रुकना चाहिए किसी के। अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। दुनिया से बुराई खत्म करना और लोगों की सेवा करना, जाना जरूरी है। गुरुजी की सलाह हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है,
यून, जब तक ये चलेगा शांति से नहीं बैठूंगा। संभल कर रहना। मेरे वापस आने का इंतजार करना। सुनो, जिंग दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी। क्या हुआ? जिंग सुनो, मैं कोई मुसीबत में है। अरे यार, तुम क्या करने जा रहे हो ये? अरे तुम आखिर क्या कर रहे हो? डोंग मिंगकुई, डोंग मिंगकुई, सिपाहियों जी, उसे पकड़ लो। चलो, चलो। चलो भाई, इस बदमाश को लेकर आ गए हम लोग 3 नंबर में। चलो। चल अंदर जा। जिंग, मिंकी को बचा लो। ए, क्या हुआ? ठीक से खड़े हो जाओ। अरे बाप रे, ऐसा नहीं कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन उसने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल है, और मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। जिंग, लेकिन हमारी पहली मुलाकात में तुमने कहा था कि तुम और मिंकुई सगे भाई से भी बढ़कर हो। कम से कम ये सोचकर तो उन्हें बचा लो कि उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। देखो यून, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम घर चली जाओ और इंतजार करो। बताइए बताइए, आपकी खिदमत में क्या करूं? मिस्टर लॉरेंस, आपको कहना चाहिए था कि आप आ रहे हैं, मैं महल की सजावट तो कर लेता। चुप करो। सुनो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? सुनाई क्या? ये अफीम के नशेड़ी कह रहे हैं ये सामान यहाँ काफी समय से पड़ा है, तुम्हारे काम से तंग आकर मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए। मेरे पास उतना धीरज नहीं है, समझ गए? मिस्टर लॉरेंस, मुझे खुद को नहीं पसंद इतना सारा सामान रखना, पर मैं कहना चाहता हूँ अफीम का धंधा वेनन में करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक डोंग मिंगकुई नाम का आदमी है जिसने हमारी दुकान पूरी जला दी थी। अगर मैं मेरे लोगों को अंदर सही वक्त पर नहीं भेजता तो आज ये दुकान यहाँ पर होती ही नहीं, यकीन मानिए। डोंग मिंगकुई? जी हाँ। मुझे सिर्फ बिक्री की चिंता है, जो मुझे ज्यादा फायदा देता है वो मेरा दोस्त है, समझ गए ना? मुझे लगता है कि तुम समझ गए। जी जी, जरूर जरूर जरूर। चलो 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 चलो, जल्दी करो, तुम यहीं रुक जाओ। चलो अंदर, जल्दी करो। चलो अब चलते हैं।
मिस्टर लॉरेंस, आशा करता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा है। मेरे पास एक योजना है इस मामले में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, बेशक मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, हालांकि अफीम बेचना औरतों को साड़ी बेचने का काम नहीं है। कभी कभी अपना ग्राहक बनाए रखने के लिए कुछ अलग तरीके भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मेरे परिवार ने यहां वेनन में 100 साल से ज्यादा व्यापार किया है, तो मुझे बाहर का मत समझिए। मैं यही का हूं और मुझे व्यापार करना आता है। मैं तुम्हारे काम के तरीके में टांग नहीं अड़ाऊंगा, मगर मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूं, जो मेरे धंधे में रुकावट पैदा करेगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। समझ गए ना तुम? आप सभी का वेनन में स्वागत है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आप नहीं बात करना चाहते तो मैं निकलना चाहूंगा। ठीक है, मिस्टर लॉरेंस, अभी जो आया था वो थोड़ा गर्म दिमाग है, अब फिक्र मत कीजिए। ऐसा लगता है डोंग मिंगकुई के मामले को तुम ही देखने वाले हो। मुझे निराश मत करना। अब बस खुशखबरी का इंतजार कीजिए। जिंग, तुम यहां क्यों आए? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अगर तुम्हारी बीवी नहीं बताती तो तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए होते। चलो चलो मेरे साथ। नहीं, यहां अफीम जमा किया है जिसे मैं चलाना चाहता हूँ। मिंगकुई, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम ये कब तक कोशिश करोगे? कब तक कोशिश करूंगा? अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हमें और उनमें क्या फर्क रहेगा? जिंग, वो मशाल मुझे दो। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना होगा, मेरी बात सुनते क्यों नहीं? तुम इसे नहीं जला सकते। जिंग, तुम मेरा साथ नहीं दोगे? लेकिन मुझे यकीन है मैं इस गोदाम को जलाकर राख कर दूंगा। तुम क्या चाहते हो? हाँ, ये जो गोदाम है ना वो डियोंग का नहीं है। ये जो गोदाम तुमने जलाकर राख कर दिया है ना, वो जिंग परिवार का है। जिंग, क्या तुम ये सच कह रहे हो? हाँ, डियोंग बस ये दुकान को संभालता है, इस गोदाम का असली मालिक मैं ही हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे कहा था ना, डोंग मिंगकुई को कुछ नहीं होगा, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा? मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। यह वेनन में जिंग परिवार का मुझ पर हाथ है। जी, और एक बात, तुम ये मत समझना कि मेरी तुम पे नजर नहीं है। जी जी जी, मिस्टर जिंग, मुझे माफ कर दो, आपकी बदौलत ही तो मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपके मन को ठेस पहुंचे। लेकिन लेकिन मिस्टर लॉरेंस काफी ज्यादा असंतुष्ट हैं। मैंने ये निर्णय इसीलिए लिया ताकि मैं उनके और करीब जा सकूं, और वैसे भी मैंने ये सब किया क्योंकि आपका व्यापार बचाना था। इस मामले से तुम दूर रहो, अपने काम से काम रखना। जी मिस्टर जिंग, मैं समझ गया, निकल जाओ।
तुम्हारी जमानत किसी ने करा दी है, तुम जा सकते हो। ये किसने किया आखिर? जिंग फू है ने। अब जाओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ यून, चलो चलते हैं। रुक जाओ। चला दो। चलो। अगर कल हमें वो आदमी चेतावनी नहीं देता तो आज हम इस आग में मर जाते। मिंकुए, तुम इस अफीम को भूलकर मेरे साथ वापस पहाड़ियों में चलो। सुनिए, अब हमें जल्दी चलना चाहिए, रात होने के पहले पहले हमें वहां पहुंचना ही होगा। चलो चलो जल्दी करो, चलो वहां रखो, चलो चलो चलो। मिस्टर लॉरेंस, मेरे मालिक यहां पर है। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी खिदमत में शामिल हूँ। मिस्टर जिंग, तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमारा धंधा चौपट कर रहे हो, तुमने मुझे दिल से निराश किया है। लेकिन अगर तुम डोंग मिंगकुई को खत्म करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ और हम दोस्त भी रहेंगे। मिस्टर लॉरेंस, लगता है आप भूल गए कि ये गोदाम आखिर किसका है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे रास्ते आओगे तो महंगा पड़ेगा। और तुम, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूं वेनन छोड़ने के लिए। फिल एक बहुत खतरनाक लड़ाकू है, मैं तुम्हारी मौत उसके हाथों करवा कर तुम्हें सम्मान दूंगा। अब तो तुम ही देख लो कौन मरता है। अलविदा मेरे दोस्त। Thank you.
मिस्टर डी। अब से तुम्हें भी लिस्ट में रखूंगा। जरूर मिस्टर लॉरेंस। लॉरेंस जी, हम फिर मिलेंगे। मिस्टर लॉरेंस, अपना ख्याल रखना। मुझे मिस्टर डी बुलाओ। मिस्टर डी। क्या कर रहे हो तुम? आगे बढ़ो। समाज के लिए अच्छा करोगे जितना तुमसे हो सकेगा। इस दहशत भरी दुनिया में शांति लाओगे। इस अशांत दुनिया के संघर्षों का समाधान निकालोगे। देश और जनता की सेवा करोगे और जिस जगह पर रहोगे उस भूमि को बचाओगे। मोर पंख ले लीजिए भाई साहब, मोर पंख लीजिए। सुनिए, आप जानते हैं ये मेहमान कहाँ चले गए? आप डॉन मिंको ही हैं? जी हाँ। आप जानते हैं वो कहाँ गए होंगे? कुछ बहुत सारे अजीब से डरावने लोग आए हुए थे यहाँ पे और वो उसे साथ लेकर चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ये दे दूं। अगर इस औरत को वाकई ढूंढना चाहते हो तो फिर वैनियन के राजमहल में जाके देखो। आपका शुक्रिया। मार दो उसे। चाइना दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक यहाँ की संस्कृति और दूसरा यहाँ के बेवकूफ और बेकार लोग।
उम्मीद करता हूँ तुम्हें निराशा नहीं हुई होगी, है ना? उसे जाने दो, हम लोग ये शहर छोड़ देंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। तुमने मेरा सामान जलाया और मेरे आदमियों को भी मारा, और अब तुम यहाँ से जाना चाहते हो? ऐसा नहीं होने वाला। तुम क्या चाहते हो? आज तुम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, ये सब तुम लोग खुद तय कर सकते हो। आखिर में कौन यहां से जाएगा? नहीं मिंकुए, नहीं मिंकुए, नहीं। नहीं मिंकुए, नहीं, नहीं मिंकुए, मिंकुए नहीं, मिंकुए, मिंकुए, मिंकुए। छोड़ दो उसे। युन, 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 युन। क्यों ना मैं तुम्हें भी उसी के पास भेज दूं? क्या बोलते हो? याद आती है। हाँ यून,
उठो यून, उठो। डोंग मुइंकुई ने वो शहर छोड़ दिया और उसके गुरु और दादाजी ने उसका नाम बदलकर डोंग हाइजुआन रख दिया, जिसका मतलब होता है देशभक्त। वो चारों तरफ की यात्रा करने के बाद राजधानी गया और शाही दरबार में सेवा करने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस तरीके को ढूंढने में बिता दी जिससे देश और दुनिया की सेवा की जा सके। उसके वंशज उन्हें बाजुआ के मसीहा के तौर पर याद करते हैं। सितारा शेन ज़ाइकेंग ने लगातार 9 शानदार जीत हासिल की है। आज रात के अंतिम खेल में ज़ाइकेंग शायद जाने माने खिलाड़ी जैक के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ज़ाइकेंग अब तक के मैच जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। पिताजी, चाहे जो हो जाए मैं उसका हौसला बढ़ाऊंगी। ओके बाय। तुम तैयार हो? तुम्हें तैयार होना चाहिए। टेंशन मत लो, मैं ही जीतूंगा। बासु, तुम जानते हो ना वो किसके लिए चेयर कर रहे हैं? मेरे लिए बिल्कुल, और क्या। चेयरिंग सिर्फ जीतने वाले के लिए होती है। हमारे समझौते के अनुसार अगर तुम जीते तो तुम्हें 1 मिलियन आरएमबी बोनस मिलेगा। जाओ और जाकर मजे करो। ज़ाइकेंग अभी तक कोशिश कर रहे हैं पर वो अच्छे अवसर की तलाश में है। एक और पंच। जैक का पंचिंग स्पीड बहुत ही तेज और मजबूत है। वो उसे मारने के लिए ज़ाइकेंग की ही तरकीब का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ाइकेंग ने सामना किया, उसे 1 पॉइंट की बढ़त मिल गई। टिफिन भाई, चलते रहो। Come on, gang. Come on! Oh.
और इस प्रकार जैकिंग हार गए और नए चैंपियन है जैक। पिछली बार जब तुम आए थे तब तुम छोटे बच्चे थे, अब तुम बड़े हो गए हो। यही वक्त है तुम्हारे चाचा से मिलने का। वो एक विख्यात ऑर्थोपेडिस्ट है। पहले अपना हाथ ठीक करवा लो, फिर सब कुछ ठीक होने लगेगा। शायद कुछ ऐसा हो जिससे तुम चौंक जाओ। एक्सक्यूज मी, आप बताएंगे गू क्लिनिक कहाँ है? गू का क्लिनिक? जी। सीधे चले जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर गू का क्लिनिक है ना? हाँ। एक मिनट, तुम्हें डॉक्टर से मिलना है? नहीं, मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना है, मुझे अपने अंकल से मिलना है, मिस्टर गू जैन। अंकल? चलो पीछे आओ मेरे। परेशान ना हो। अब दर्द नहीं होता मास्टर गू। हो गया। एक मिनट रुको, मास्टर पेशेंट देख रहे हैं। हाँ। मैं फू को तुम्हारी दवाइयाँ बनवाने के लिए बोल देता हूँ। अच्छा, याद से दिन में दो बार लेना, तुम्हें हफ्ते भर में ठीक होना है। समझे? थैंक यू मास्टर गु। द मास्टर, मरीज को अपने घर छोड़ दो। जी, आइए आराम से, आराम से। आइए। तुम यहाँ? माँ ने यहाँ आने के लिए कहा था। तुम जाइकेंग हो? जी। यहाँ बैठो। तुम यहाँ रह सकते हो काम करते हुए। काम? लेकिन कैसे? हाँ, एक सहायक की तरह इनकी मदद करो। सिलान? हाँ आई। सिलान, 10 ग्राम कार्थामस टिंक्टोरियस एंजेलिका सिनेसिस, 25 ग्राम 15 ग्राम लिग्नम मिलेटिए, सबका पाउडर बना के 20 पैकेट में भर दो। और याद रखना कि सुबह शाम एक एक पैकेट लेना है। अब जाओ ना। हाँ। आज से ही शुरू करते हैं। पहले तुम्हारे शरीर पर ध्यान देते हैं। याद रखना सारी दवाई सही समय पर लेना। आ जाइए।
आज से तुम ये रूम मेरे साथ शेयर करोगे। तुम्हारा बेड लेफ्ट में है। एक बात और, मेरा नाम डा है और ये है फू। हे जाइकिंग, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? रिंग में चोट लगी थी मुझे। क्या बात है, क्या बात है यार, तुम एक बॉक्सर हो। मुझे भी बॉक्सिंग बहुत पसंद थी। ये देखो अपने आप को, तुम बहुत ही पतले हो। तुम्हारे पंच मारने से पहले हवा ही तुम्हें नीचे गिरा देगी। अगर तुम स्ट्रांग हो तो कोई तुम्हें नहीं गिराएगा, लेकिन एक बात और है, अगर पंच लग गया तो खड़े भी नहीं हो पाओगे। मैंने ये थोड़ा कहा कि मुझे बॉक्सिंग करनी है। ऐसे क्या बोल रहे हो? तुम लोग मुझे थोड़ा रेस्ट करने दोगे प्लीज? सॉरी, तुम बेकार हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गैंग, खाने का वक्त हो गया। मुझे भूख नहीं है। समझ रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पसंद का कोंगी बनाया। कहाँ ना भूख नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे हाथ की हड्डी टूट गई है, इसलिए तुम फाइट नहीं कर सकते। क्या कह रही हो तुम ये? मतलब अब से बॉक्सिंग बंद। उसके बगैर मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या कहा तुमने? कृपया विल दीजिए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। एक चीज के बारे में मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 4 के अनुसार अगर शेन जाइकिन एमएमए मैच हार जाता है तो उसे सू कंपनी को नुकसान भरपाई देनी होगी, उसके प्रमोशन और प्रशिक्षण के लिए 1,000,000 RMB। बॉस, सुने मुझे कुछ नहीं बताया था कि हारने पे ये सब करना होगा। हेलो, जोंगी एजुकेशन से बात कर रहे हैं? अभी भी वहाँ हायरिंग चल रही है क्या? माफ करना, हमें कोई सेल्स में काम करने वाला चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, अगर तुमने वक्त के पहले पैसे नहीं भरे तो भुगतान 3 गुना ज्यादा होगा, मतलब 3,000,000 RMB। ये तो तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। जाइकेंग, ऐसा लग रहा है कि तुम पैसे नहीं दे सकते। मेरे साथ मजाक मत करो, इतना पैसा मैं कैसे दे पाऊंगा तुमको? एक बात और है, तुम्हारे पास 12 बजे तक वक्त है, ये तुम्हारी फाइनल डेडलाइन है। तुम्हारे पास 1 घंटा बाकी है, उसके बाद नुकसान की भरपाई 3 गुना हो जाएगी, फिर ये कौनजी बार तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हारी कोई और जमीन है क्या? शायद तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। गैंग, गैंग, तुमने इसे क्यों मारा? बकवास। गिरवी रखने के लिए कुछ तैयार रखना। इसे थोड़े ही दिन हुए यहां आए, मगर ये बहुत कम बोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको काफी तगड़ा झटका लगा है। झटका किसकी वजह से? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो ये झटका है ना, ये लगता है 2 कारणों से। कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हें कुछ काम दो? चल 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 चल। सुनो, तुम अंदर आ जाओ। तुम ठीक हो जाओगी माँ। हेफू जी, उन्हें घर ले जाओ। आया। चलिए दादी माँ। हाँ, संभल के। आराम से। क्यों मास्टर गू? चलिए। ध्यान रखना फू। आराम से। चलिए, धीरे से लेकर जाऊंगा।
आपको दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए, ठीक है? लगता है काफी थक गए हो तुम, ये लो, आराम से पियो, आराम से। ए, एक बात पूछनी है, मेरे अंकल सभी मरीजों को तुम्हारी पीठ पे क्यों भेजते हैं? वो क्योंकि हमारा क्लिनिक अलग अलग फ्रैक्चर्स के इलाज में माहिर है। ये जो लोग आते हैं वो बुजुर्ग या टूटे पैरों वाले आते हैं। शहर के रास्ते पत्थर के बने हैं तो वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती ना, इसीलिए हम उन्हें कंधे पर उठाते हैं। तुमको तो काफी पसीना आ रहा है, काफी थकान हो जाती होगी ना? मुझे इस सब की आदत हो गई है। पीक टाइम के दौरान मैं सुबह से शाम तक ऐसे दौड़ता हूँ। तुम्हें पता है मैं यहाँ 2 साल से हूँ। हेफू आया। मास्टर इस मरीज को ले जाओ। जी मास्टर, चलिए। हाँ, आराम से। आराम से। आइए। थैंक यू मास्टर गु। हाँ, जरा संभल के जाना। कितने आलसी हो तुम, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो ना, नाटक करना बंद कर दो ना। मुझसे बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है और किससे? देखो, जो हुआ उसके लिए माफी मांग चुका हूँ, मुझसे ऐसे बात करना ठीक नहीं है। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, तुम्हारे खिलाफ क्यों कुछ करूँ? माफ कर देना। शेन ज़ाइकेन, तुमने जानबूझकर किया। तुम्हें जो सोचना है सोचो। आज हम लोग पहली बार एक साथ खाना खाने बैठे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। चलो एक टोस्ट करते हैं। चलो 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 चलो। ज़ाइकेंग, तुम इतने उदास क्यों हो? हमेशा उदास दिखते हो। मैं पीते वक्त ज्यादा बात नहीं करता हूँ। हाँ, देखो दोस्त, मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन ठीक हो जाएगा सब। अरे वो क्या कहावत है, हंसने से मोटापा आता है। फूको देखो जरा तुम, क्या सही एग्जांपल है। हाँ, मुझे देखो। सिलान हमेशा ही कविता किसी के बारे में बोलती है, क्या थी वो कविता? नदी के अंत तक चलते हुए बादलों के छटने का इंतजार रहता है, समझे? तुम इसे पार कर लोगे। थैंक यू दोस्त। अरे कोई बात नहीं, खुश रहा करो। ऐसी बकवास चीजें हमेशा होती रहती है। अगर तुम खुश रह सकते हो तो मैं मानती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा, आरएमबी को इतनी बड़ी रकम कैसे दूंगा? उसकी चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, मैंने सेविंग्स किए हैं। इसके अलावा मैं कोंगी बार बेचने की सोच रही हूँ। मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मुझे अब ब्रेक लेना चाहिए। अगर ये कम पड़ता है तो हमारे पास ये घर है बेचने के लिए। क्या कह रही है, ये पिताजी की छोड़ी हुई आखिरी निशानी है। ये बहुत जरूरी है, पर सबसे सुंदर तोहफा तुम्हारे पिता ने मेरे लिए छोड़ा है, वो तुम हो। जैक, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, वो अब शुरू कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर। 1 महीने के अंदर फिशान टाउन के सभी कुंगफू क्लब्स मेरे नाम हो जाएंगे। तुमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं, क्या तुम अब भी प्रैक्टिस करते हो? मुझे खुद पे
बहुत भरोसा है। कॉन्फिडेंस ताकत के आधार पर आधारित होता है। जी मास्टर, मैं याद रखूंगा। जैक, ये तुम्हारे लिए एक असली चुनौती है। जाओ तैयारी करो, ईशान टाउन चले जाओ। वो बड़े लोग जो हमसे कॉपरेट नहीं करते, अब सब तुम पर है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा मास्टर। जाओ। मास्टर गु कहाँ है? उन्हें बाहर आकर माफी मांगने को कहो। वो मेरे छोटे भाई का हाथ ठीक नहीं कर सके और अब वो छिप कर बैठना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम बस उनको बदनाम करना चाहते हो। मास्टर गु किस तरह के इंसान है ये शहर के सब लोग जानते हैं। वो हारे हुए इंसान है, इस घर के पीछे छिप रहे। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। फिर से बोल के दिखाओ। मारो उन्हें। चले जाओ, निकल जाओ, चले जाओ। अपने छोटे भाई से कहो, चारों ओर घूमने से दवाई का असर कम होगा। अगर उसे अब भी अपना हाथ ठीक ठाक चाहिए तो वो दूर रहे। चलो। क्या तुम दोनों को पता था कि अंकल गो कुंग फू जानते हैं? तुम्हें ये नहीं पता कि उन्होंने गो बॉक्सिंग की शुरुआत की यहाँ पर? गो बॉक्सिंग? इसको कुछ भी नहीं पता है। गो बॉक्सिंग यहाँ के लिए एक बहुत ही फेमस खेल है जो सबसे खतरनाक और मुश्किल था। अरे दोस्त, एक टाइम पे इसको नॉर्थ की जिंगी बॉक्सिंग से कंपेयर करते थे। ये तुम सच कह रहे हो क्या? अरे बेशक यार। तभी मैं सोचूं कि मेरी माँ ने मुझसे अंकल से कुंग फू सीखने के लिए क्यों कहा था। उसके बारे में सोचना भी मत। मास्टर अब किसी को कुंग फू नहीं सिखाते। लेकिन क्यों? मेरे पास इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे भी नहीं पता है। मैं यहाँ फू के साथ ही आया हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने इस बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। मेरे यहाँ आने से बहुत पहले की बात है, मास्टर का एक बड़ा शिष्य हुआ करता था। धोखा देकर उसने मास्टर को बहुत दुख पहुँचाया, इसलिए मास्टर ने कुंग फू सिखाना बंद कर दिया। उस समय अंकल को भी चोट लगी थी। वो स्टूडेंट काफी स्ट्रांग रहा होगा। ए, सिलैन बचपन से मास्टर जी के साथ रही है, शायद उसको इस बारे में जरूर कुछ बताओ। ए, अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे करने दो ये। सिलान, मैंने सुना है कि तुम बचपन से ही मास्टर जी के साथ रही हो, तुम्हें उनके बारे में काफी कुछ पता होगा। दरअसल सिलान, बात यह है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। पर क्यों? जब तुम पानी में गिरी तो मैं मदद कर सकता था, लेकिन मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। मैंने कुछ भी नहीं देखा था सिलान। खाना मुफ्त का नहीं मिलता, तुम जरूर कुछ करोगे। बस एक बात पूछनी है, मुझे जानना है कि अंकल वाकई अब कुंग फू नहीं सिखाते हैं? हाँ या ना, उससे तुम्हारा क्या मतलब? मुझे कुंग फू सीखना है। तुम्हें? बेहतर होगा तुम सोचो भी मत। ये सब उस पुराने छात्र की वजह से हुआ ना? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जाइकेंग, यहाँ आओ।
बैठो। क्या तुमने सारी दवाई ले ली? आखिरी दवा भी खत्म कर दी है। अब तुम ठीक हो गए हो, अब तुम्हें दवाइयों की जरूरत नहीं। क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं अपने घर जा सकता हूँ? हाँ? क्या तुम वापस जा रहे हो? हाँ, ताकि जो खोया है मैं उसे वापस पा सकूं। क्या खोया है तुमने? अंकल, मुझे कुंग फू सीखना है। लगता है तुम अब ठीक हो गए हो, तो मुझे मेरे बिलों का भुगतान कर दो। आपके बिल? मेरे पास पैसे नहीं है। तुम तुम्हारा जीवन यापन भी नहीं कर सकते, कुंग फू को भूल जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आज से शुरू करते हैं। तुम क्लिनिक के लिए काम करोगे, मरीजों को उनके घर ले जाओगे। पहले मेरे बिलों का भुगतान कर दो, फिर यहां से चले जाना। इससे कोशिश करो। जी, ठीक है ना? जाइकिंग, जाइकिंग, इस मरीज को अपने घर पहुंचा दो। अंकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दाहिने हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है। जब तक तुम वापस आओगे, मैं सिलन को बोलकर तुम्हारी और दवाई बनवा देता हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? बैड मैनर्स। क्या मतलब है इसका? हे सिलन, मुझे बताने दो। तुम बैठ नहीं सकते, तुम खा नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे भूख लगी है और मैं खाना नहीं खा सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम बात नहीं समझ रहे हो यार। अभी तक तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। मास्टर के आने के पहले तुम बैठ नहीं सकते हो, उनके आने के पहले खा नहीं सकते हो। लाओ ये मुझे दो, दो मुझे। सच कह रहे हो? खड़े हो जाओ। चलो खाते हैं। अंकल, मैं आज पेशेंट्स को उनके घर लेके गया था, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब मेरे हाथ में भी दर्द नहीं है। अब आप मुझे कुंग फू सिखा सकते हैं ताकि मैं घर जा सकूं। मेरे प्यारे अंकल, मैं सारे बिल भर दूंगा आपके। सच कह रहा हूँ, जब मैं पैसे कमाऊंगा सब चुकता कर दूंगा। वापस जाकर तुम क्या करोगे? अब आप तो कुंग फू सिखा नहीं रहे, तो वापस जा करके बॉक्सिंग ही करूंगा। बॉक्सिंग? लेकिन किस लिए? ताकतवर बनने के लिए। सब तुम्हारे ऊपर है, रोका नहीं है। डा, चलो वांग फुई हुंग देखते हैं। अरे लेकिन मैंने आईपी मैन देखने का सोचा है। लेकिन वांग फुई हुंग अच्छी पिक्चर है। अरे लेकिन वो बहुत पुरानी पिक्चर है, आईपी मैन लेटेस्ट मूवी है यार, मजा आएगा। वांग फुई हुंग बहुत अच्छा है, मजे करो। कैंग, कैंग।
तुमने इसे क्यों मारा? अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करेंगे। बकवास। ये रहे 1 मिलियन आरएमबी। मिस्टर लिन चाहते हैं कि तुम जॉय से हमेशा के लिए दूर रहो। बस इतना ही, अलविदा। मैं वापस घर जा रहा हूँ। मैं वापस जाकर अभी के अभी जो खोया है उसे पाकर रहूंगा। और मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अभी तक जगे हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है? अंकल, हार्ट ठीक करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे बदला लेना है जिसके लिए मुझे घर जाना होगा। बदला? मैं यहां छोटी सी जगह पे हूं। आप नहीं जानते मैं कितना शर्मिंदा हो चुका हूं। लगातार 9 जीत की थी और अचानक फाइनल में एक अनजान खिलाड़ी ने आके मुझे हरा दिया। बाद में मुझे पता चला कि मेरी कंपनी के साथ मिलके उसने मुझे धोखा दिया था। मेरा हार्ट टूट गया। मुझ पे 1 मिलियन का उधार था। मैं क्या कर सकता था? मैं असहाय महसूस कर रहा था अंकल। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, जो खोया उसे वापस पाना चाहता हूँ। आज किसी के रोके से नहीं रुकूंगा मैं, आज जाके रहूंगा। तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका है। क्या तुम वो पत्थर नहीं हिला सकते? एक पत्थर तक नहीं हिला पा रहे, बदला क्या खाक लोगे? मैं शारीरिक शक्ति से नहीं जीतता हूँ गेम। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम करोगे क्या? बॉक्सिंग दिमाग का खेल है। शक्ति की तुलना में सभी कौशल कुछ भी नहीं है। वापस जाकर तुम हारने ही वाले हो, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। मेरी माँ ने कहा था यहाँ पे आऊं और आपसे मदद लूं। मैं पता नहीं उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, लेकिन एक बात जानता हूँ, जब से आया हूँ आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है आखिर? तुम उसी की तरह हो। मेरे साथ चलो। मास्टर गो, सेम डिश लाऊं? हाँ, दो लाना। ठीक है? ठीक है। फ्राइड ब्रेस्टिक तैयार है। धन्यवाद। जायकेंग, काफी समय हुआ है तुम्हें फ्यूशन शहर में आए हुए। मैं तुम्हें शहर के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। आओ। सुनो, 3 किलो नाशपाती देना, छील कर। जी जरूर। वो पूरा होने तक यहाँ रुको और मेरे लिए चाय की दुकान पर लेकर आना। फ्राइड ब्रेड स्टिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुबह सुबह चाय पीना तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है।
अरे आराम से पियो। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं गु बॉक्सिंग, जरा ध्यान से देखना। जाओ रोज सुबह 2 बाल्टी पानी लेकर आओ और फिर 10 बार गु बॉक्सिंग का अभ्यास करना, फिर हमारे लिए नाश्ता लेकर आना। जी हाँ मास्टर। मुझे मास्टर मत कहो, मैंने तुम्हें अपना शिष्य नहीं माना है। हाथों को ऐसा करो, ऐसे। देने जा रही हूँ, तुम दोनों अलसी मत बनो। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए सिलान, क्या आज तुम बाइक लेकर नहीं जा रही? उसके बारे में भूल जाओ। जल्दी जल्दी और तेज। मास्टर। अंकल, मैंने हर मूव करके देख लिया, मुझे लगता है 1 महीने का कोटा हो गया है। आप मुझे आगे का कुंग फू कब सिखाएंगे? तो फिर आज नाश्ता करने बाहर चलते हैं। तुम वॉन्टन खाओगे? अंकल मैं अब रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे चीजें याद भी रह रही हैं। तुम यह रोज फ्राइड ब्रेड स्टिक के लिए आते हो, लेकिन तुम्हें क्या पता चला? हेड शेफ बहुत अच्छा बनाते हैं खाना। जब भी वो ब्रेड को तेल के अंदर सेकते हैं तो वो ब्रेड बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। अब मेरा मुंह पानी से भर जाता है। अंकल, नाश्ते के पहले फल खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा। सुनो है? 5 किलो नाशपाती देना। कोई बात नहीं। जब तक छिलता है तब तक तुम यहीं पर रुकना, समझे? तुम्हें क्या पता चला? मुझे इसमें एक रिदम नजर आ रहा है। तुम्हारे चाल की तुलना में क्या वो ज्यादा लचीला है? हाँ। सुनो, मेरा नाश्ता लाना याद रखना।
हाँ सही कर रहे हो, लगे रहो। सू की कंपनी तो जबरदस्त है, वो शहर के सारे कुंफू क्लब खरीद रहे हैं। मैं अमीरों को नहीं समझ पाता हूँ। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैंने हॉट पॉट रेस्टोरेंट खरीदे होते। तुम ना बस खाना सोचते और कुछ नहीं, बेवकूफ। जरा मुझे दिखाना। तेरी। वो कुंफू जानते हैं है? हाँ? अंकल क्या तुम यहाँ के नियम कानून भूल गए हो? वो शहर के सारे कुंफू क्लब खरीद रहा है, हमें कुछ और पावरफुल सीखना होगा उसको हराने के लिए। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ। बहुत अच्छे। वैसे अंकल हम लोग यहां पर क्यों आए हैं? जब तुम अंदर कदम रखोगे तभी मुझे मास्टर बुलाना। मास्टर गू, ऐसा क्या है जो आपको यहाँ खींच लाया? मास्टर होंग, बड़े दिनों बाद मिले। बैठिए। आओ और चाय लो। पीछे खड़े हो जाओ। मास्टर हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लब को चुनौती दे रहे कि गू बॉक्सिंग वापस आ गई है। नहीं, क्लब साफ कर रही है। ओह, कितनी चोट लग गई है तुम्हें। क्या तुम अभी भी कुंफू सीखोगे? लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहूंगा, फिर सिलान मुझे भी ऐसे ही दवाई लगाएगी। एक फ्राइड ब्रेड स्टिक देना प्लीज। कल तुमने सामने के बारे में क्या सोचा? असली लड़ाई ट्रेनिंग से अलग होती है। क्या फर्क है? मेरे मूव्स दिमाग जितना तेज नहीं चल रहे। जब तक मैं कुछ सोचता हूँ उनका पंच पहले आ जाता है, और ऊपर से मेरे हाथ में भी चोट लगी है, परफॉर्मेंस तो खराब हो गई। शेफ का एक पैर वास्तव में पूरी तरह से टूट गया है, क्या तुमने देखा है कभी? शुक्रिया। तुम्हें कुंफू क्यों सीखना है? ताकि मैं ताकतवर बन सकूं। और उसके बाद क्या करोगे? आजाद होना है। पुराने शिष्यों की तरह नहीं बनूंगा।
मास्टर, क्या आप सच में उसे अपना शिष्य बनाने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है? शुरुआत में मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, वो बेहद उदास दिखता था, पर हालांकि अब वो बदल गया है। अब वो बहुत पॉजिटिव दिखता है। सच में वो मरीजों को लाने में अब वक्त नहीं लगाता, अब वो बहुत जिद्दी हो गया है। हाँ? तुम्हारे पास काफी अच्छी बातें हैं। नहीं, वो बहुत ही कुंफू किस्मत का दूसरा नाम है। कुछ लोग सीखते हैं पर वो समझ नहीं पाते, कुछ लोग सीखते नहीं है पर वो पहले से ही उसमें होते हैं। आइए। तीनों के साथ लड़ो। देखो जरा इसको, तुम सीखना चाहोगे कुंग फू? अगर सिलान ऐसे दवाई लगाएगी तो सोच सकता हूँ मैं इस बारे में। अच्छा लग रहा है। बहुत हो गया, चले जाओ। चल बाहर। सुनो, तुम इतना मार खा के आए हो फिर भी हंस रहे हो? मास्टर ने ये मेरे लिए ही तो किया है। सिलान, तो मुझे बताओ ना, उस छात्र ने क्या किया था? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई जरूरत नहीं है। मैं छोटी थी तब मास्टर ने गोद लिया। मैं 4 साल की थी जब वो यहाँ था। मुझे बस इतना याद है कि मास्टर सख्ती से पेश आते थे, पर उतना ही वो और विद्रोही हो जाता था। उस समय गू बॉक्सिंग मशहूर हुआ करती थी। वो हर वक्त झगड़ता था, लोगों को चोट पहुंचाता। वो सब हमारे क्लब आकर मास्टर पर इल्जाम लगाते। कई सारे कुंग फू क्लब यहाँ आकर गए हैं, तुम्हें अब भी लड़ना है? तुमने गंदा पैसा कमाने के लिए गंदी बॉक्सिंग की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। उसे ये शहर छोड़ना था। मास्टर ने कहा अगर वो जाना चाहता है तो उसे गो बॉक्सिंग छोड़नी होगी या उन्हें हराना होगा। आखिर में मास्टर हार गए और वो चला गया, फिर वापस कभी नहीं आया। तो क्या यही कारण है जिसकी वजह से मास्टर अब नहीं सिखाते हैं? उनकी प्रतिष्ठा खो गई है ये वो जानते हैं, तो उन्होंने क्लब बंद कर दिया। वास्तव में इतने साल वो बहुत ही शर्मिंदा है। समझ सकता हूँ, हर कोई कहानी नहीं बता पाता। नदी के अंत तक चले जाना और अच्छी उम्मीद रखना। तुम ज्यादा मत सोचो, इस सब से तुम जरूर बाहर आओगे, मुझे भरोसा है।
अभी भी साइकिल चलाती हो? फिर से कहने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। हाँ? आराम से सीधे जाओ, बैलेंस बना के रखो, बहुत बढ़िया। मुझे छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, चलते रहो चलते रहो। अच्छा करी हो तुम, वेरी गुड। हाँ ठीक है, उस दिन मैं पानी में गिर गई क्योंकि तुम मेरे बीच में आए। तुमने करके दिखा दिया। हाँ मैंने करके दिखाया। आराम से, धीरे धीरे धीरे। मास्टर गू, काफी समय से आपको नहीं देखा है। मास्टर मो, मैं अपने साथी शिष्य को मो बॉक्सिंग को चुनौती देने के लिए लाया हूँ। कोई बात नहीं। आउटेज, जल्दी आउटेज, तेज। बधाई हो मास्टर गु, आपका शिष्य वाकई बहुत अच्छा है। मास्टर माओ, ठीक है फिर मिलते हैं। राइकिंग, क्या तुम जीत गए? कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मास्टर भी बहुत दुखी लग रहे थे। अगर तुम जीत गए हो तो भी कहाँ है वो? वो अपने रूम में है। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें परेशान करे। चलो तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। वो बाहर आ जाएंगे जब भी उन्हें आना है। मास्टर ने बहुत अजीब रिएक्ट किया था, उनको उदास नहीं होना चाहिए था। मैंने तो फाइट जीती है। हो सकता है कि वो अपने कमरे में अकेले हंस रहे हों। सच में क्या? हाँ क्यों नहीं। चलो ये तो अच्छी बात है। फिर तो अब हम खाने चल सकते हैं। मीट बॉल्स खाएंगे और क्या। कोई बात नहीं, चलो सिलान। हाँ, चलो, 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 चलो। मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। मेरा पेट इतना भरा हुआ है कि तुम्हारे मुँह से खाने की बात ही नहीं सुनना चाहता मैं। इसलिए अपना मुँह बंद करो तुम। हाँ? क्या तुम सीखने के बाद वापस घर जाओगे? हाँ बिल्कुल, मैं अपना बदला लूंगा। लेकिन जब बदला पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। ठीक है। क्या हुआ? मैं बस पत्ता हटा रहा था और कुछ नहीं। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? जॉय, आखिर ये लड़की है कौन मेरे भाई? ये लड़की इसकी फोन स्क्रीन पे भी है। ओहो ऐसी बात है, काफी सुंदर लड़की लग रही है। जॉय, जॉय, तुम यहाँ कैसे आई? अच्छा होता अगर नहीं आती। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो ये बात तुमने छुपाई। तुम यहाँ बहुत मजे कर रहे हो और मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। ये सब मेरी अपनी खुद की सोच है। शुक्रिया।
पिताजी, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। नहीं, मैं नहीं। वो सिर्फ एक बार हार गया है। एक सामना ये जिंदगी भर की हार नहीं है। क्या तुम वापस आओगे? मेरे अब नए लक्ष्य हैं। क्या बॉक्सिंग करोगे या कुंग फू? तुम्हें आखिर करना क्या है, मुझे बताओगे? तुम नहीं समझोगी, मुझे माफ कर दो जॉय। बेहतर होगा इन सब में ना पड़ो। मैं तुम्हारा उधार जरूर चुकाऊंगा जिस दिन पैसे कमाऊंगा। क्या मैं पैसों के बारे में बात कर रही हूँ? मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। लेकिन मुझे परवाह है कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरी जीत क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। इस बार मैं उधार चुका पाऊंगा। हम दोनों को अब नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारा गर्व ये सिर्फ स्वार्थ है और कुछ नहीं। चाय अंदरूनी शांति के कारण इतनी आसानी से डाली गई। तुम्हें आत्मिक शांति के लिए तुम्हें सबसे पहले सब कुछ संतुलित रखना होगा, समझ गए तुम? ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। हर प्रवाह की अपनी धड़कन होनी चाहिए, धड़कन। अगर तुम्हें शंका हो, कल के विधि का उपयोग करने का प्रयास करो, वो जी बॉक्सिंग के खिलाफ लड़ने के लिए। माफ करना। मास्टर गु, आपका शिष्य इतना बुरा नहीं। तो यह है उजी बॉक्सिंग, बहुत ही अच्छी है। अगला कौन है? या फिर हम सीधे मुद्दे पर ही आ जाते हैं? रुक जाओ। तो क्या तुम मास्टर हो? अगर हिम्मत है तो हरा के दिखाओ। तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी आ गए। यह बहुत आसान है। मैं यहाँ क्यों हूँ ये छोड़ो, चलो कमाई के बारे में बात करते हैं। ए, बुजदिल आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम यहाँ कुंग फू सीखने आए हो। हमें वापस चलना चाहिए।
कॉन्ट्रैक्ट को मास्टर के पास लेकर आओ। ये लो, संभल के बैठो। दिखा। फ्यूशन टाउन अब जू कंपनी का हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो, देख लेना तुम। मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि उनका यहाँ पर्यटन शहर बनाने का प्रयास है। इसका क्या मतलब है? मास्टर गु, अगर मुझे पता होता कि वो लोग ये करना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपना क्लब नहीं बेचता। अब हमें कोई चाहिए जो लीड कर सके। हाँ। अरे मास्टर गु, कृपया जिंग गैंग बॉक्सिंग क्लब जाकर उनकी मदद करो। मास्टर होंग खतरे में है। सारा वक्त बर्बाद कर दिया। वक्त बर्बाद करना पैसा बर्बाद करने जैसा है। तुम मेरा क्लब नहीं ले सकते जब तक तुम मेरी लाश से नहीं गुजरते। अच्छा बनने की कोशिश करो, समझे तुम? मास्टर, तो कैसे हैं आप? गु बॉक्सिंग क्लब की तरफ देखना भी मत। क्या? तो आप अभी भी क्लब चला रहे हैं? हमेशा की तरह। अब मुझे ये मत कहना कि तुम फिर से पिटना चाहते हो। मैं खुश हूं देखकर कि तुमने शागिर्दी खत्म कर दी, और अब ये मुकाबला हमारे शिष्यों के बीच का है। अगर तुम जीत गए तो गु बॉक्सिंग क्लब तुम्हारा, पर हार गए तो तुम्हें सारे कुंफू क्लब शहर को लौटाने होंगे, सब के सब। तुम्हारे पास अभी भी शिष्य है? बहुत दिलचस्प है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आखिरी मुकाबला 3 दिन बाद होगा। मास्टर, अरे मास्टर, जल्दी करो, जल्दी उठाओ इन्हें। सुनो भाई, तुम सिलान हो, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम इसी शहर में पले बड़े हो, तो इसे तबाह क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये शहर और मास्टर समय से पीछे चल रहे हैं। आपने तो यहाँ पूरा ट्रेनिंग रूम बना रखा है। मेरे क्लब बंद करने के बाद मैं चला गया, सामान यहाँ छोड़ गया था। वो मेरा प्रशिक्षण का कमरा था, और एक रात को तुम यहाँ वापस क्यों आए? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर वॉक करने गया था। वॉक करने? तुम जख्मी हो? तुम्हें वाकई लगता है कि मैं देख नहीं सकता? शहर के आधे से ज्यादा कुंफू क्लब मेरे पास आए हैं, तुम अब भी लड़ोगे? वो अच्छे नहीं हैं, वो हार के ही लायक हैं। तुमने गंदा पैसा कमाने के लिए गंदी बॉक्सिंग की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। आखिर तुम मुझे कब तक यहाँ रखोगे? अगर मुझे जाना है तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। हाँ ठीक है, तुम सच में बड़े हो गए हो। तुम्हें लड़ना पसंद है ना? मेरे खिलाफ लड़ो। अगर तुम हार गए तो जो भी यहां सीखा है वो सब यहीं छोड़कर जाओगे, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
चले जाओ। तो बॉस सू आपका ही छात्र था ना? वो बहुत अच्छा कुंग फू करता था, उसने कभी शर्मिंदा नहीं किया। बस एक ही बात, वो दिखावा करता था। अपने दिल पर काबू पाना असली बॉक्सिंग है, इसलिए संतुलन बनाए रखो। मास्टर, जाय कैंग, सच कहूं तो मैं बहुत पछतावे में हूं। मैं शिष्य उनके हुनर और धैर्य पर चुनता हूं। तुम्हारी मां ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं सब छोड़ दूं। बहुत साल हुए हैं, अब मुझे नहीं भागना चाहिए। गु बॉक्सिंग को अब भी वंशज की जरूरत है। मैं क्या मैं कर सकता हूं? गु बॉक्सिंग में एक कमजोरी है, इतना गहरा होने के कारण खुद को ही चोट पहुंचती है। इतने साल मैंने कमजोरी ढूंढने की काफी कोशिश की। उनका कहना था कि मास्टर अपनी चाल रखें। पहले मैंने सू के बारे में नहीं किया, और आज तुम्हारे बारे में भी नहीं। कुंग फू सीखने का कारण शक्तिशाली बनना नहीं होता, वो एक विश्वास है। कमजोर नहीं और शक्तिशाली भी नहीं, ना जीतने के लिए ना हारने के लिए। हे कैंग, कल तुम वहां मत जाना। तुम्हें कैसे पता? मुझे अभी पता चला, मेरे पिताजी की कंपनी ने वहां इन्वेस्ट किया है। तुम वहां हार जाओगे, तुम्हें धोखा मिल सकता है, खतरा है वहां। लेकिन मैं जीतूंगा, शायद तुम्हारे पिता अपना मन बदल लें। सुनो कैंग, मेरे घर वालों ने फ्लाइट की टिकट निकाली है। कल मैं इंग्लैंड जा रही हूँ पढ़ाई के लिए, क्या तुम इस सब से बाहर निकल सकते हो? अगर तुम वापस आए तो मैं रुक जाऊंगी। इस बार आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा मैं। दरअसल मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद है। अपने दिल की सुनो। ऑल द बेस्ट। क्या सारा सामान ले लिया? हाँ पिताजी। अभी भी उस पर भरोसा करती हो? उसके बारे में मत सोचो, वो नहीं कर पाएगा। अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़ दो। मंदिर से लेकर आई हूँ। ऑल द बेस्ट तुम्हारे मैच के लिए। जाय कैंग, कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर मुझे सही वक्त नहीं मिला। वैसे तुम्हें क्या कहना है मुझसे? मुझे तुम पसंद हो सिलान, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम कुछ मत बोलो, बस मेरी बात सुनो। शुरुआत में मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे, कुछ भी अच्छा नहीं था तुम में। पर उस रात मैंने तुम्हारी और मास्टर की बातें सुनी, फिर मुझे लगा कि तुमने बहुत कठिन समय देखा है। फिर मैं तुम्हें समझने लगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी से प्यार है, पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हें बताना था मेरी फीलिंग्स के बारे में। अब मैंने बता दिया है और मुझे अच्छा लग रहा है। कल के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे विश्वास है तुम ही जीतोगे।
जॉय, तुम यहाँ कैसे आई? सियान कल मेरे पास आई थी, उसने सब कुछ बताया है मुझे। कैंग सुनो, कैंग आज तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट डे है, मुझे तुम्हारा हौसला बढ़ाने आना था। और परंपरा के अनुसार स्टिक के बुझने से पहले वो हार जाएगा या फिर इस दायरे के बाहर जाएगा। शुरू। शुरू करते हैं। जय गैंग, कम ऑन जय गैंग। ताओइज्म यिन और यांग है। कुंग फू का मतलब कठिन और मुलायम है। बहुत कठिन टूट जाएगा और मुलायम झुक जाएगा। अगर तुम्हें दोनों ही एक साथ बनना है तो तुम्हें सब कुछ संतुलित रखना होगा। सब कुछ संतुलित। तुम्हारा आखिरी पंच बहुत कमाल का था। कितनी
बड़ी अच्छी किक मारी तुमने, वाह मजा आ गया। आखिर में तो तुमने हमें डरा ही दिया था, वो बड़ा खतरनाक था यार, लेकिन तुमने जीत लिया। कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। क्या तुम ऐसे ही निकल रहे हो? अगर मुझे जाना है तो आप मुझे नहीं रोक सकते। स्टील माउंटेन मूवमेंट की कमजोर कड़ी क्या है? मैंने कभी सुना नहीं। तुम्हें लगता था तुम नजदीक जा रहे हो, पर असल में तुम दूर जा रहे हो। अगर तुम बहुत नजदीक गए तो तुम उसे ठीक से देख नहीं पाओगे। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें संतुलन बनाए रखना है और कब पीछे जाना है यह भी समझना है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? जो तुमने बॉक्सिंग से लिया है वो मैं वापस ले लूंगा। बॉक्सिंग की प्रतिष्ठा वापस ली जाती है। शहर के सब साइन बोर्ड्स तुम्हें अपने साथ ले जाने चाहिए। बड़े भाई, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई कि दरअसल इतने साल बाद मास्टर तुम्हारी चिंता में थे। चिंता किस बात के लिए? उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उनसे कुंफू सीखा पर वो समझ नहीं पाए। भूल ये थी कि वो कभी वापस नहीं आए। असल में अगर आप वापस आते तो आपको घर मिल जाता। आ जाओ,